गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब तो पिछले लेक्चर में हमने एम्पलीट्यूड मोडूलेशन के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा तो उसके अंदर देखिए जो ये फिगर में दिखाई दे रही है आपको जो सबसे पहली वेव है वो है कैरियर वेव इसको सीटी से रिप्रेजेंट किया गया है फिगर नंबर ए तो इसमें कैरियर वेव है जिसकी कुछ फ्रिक्वेंसी है और सेकेंड नंबर पर जो दिया गया है वो है एम टी सिग्नल जिसे हमने भेजना है कैरियर वेव के साथ अटैच करके या मोडूलेट करके कह लो ठीक है तो देखो आप जो ये मोडूलेटिंग सिग्नल है सेकेंड फिगर के अंदर बी के अंदर तो ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है कैरियर वेव से तो अगर इन दोनों को मोडूलेट किया जाता है तो उसे बोलते हैं मोडूलेटिड सिग्नल जो थर्ड नंबर पे दिखाया गया है सी फिगर के अंदर इसे सी एम टी से रिप्रेजेंट किया गया है फोर ए एम एम्पलीट्यूड मॉडूलेशन के लिए जो सिग्नल बनेगा वो थर्ड नंबर पे दिखाया गया है इसके अंदर क्या है इसके अंदर जो मोडूलेटिंग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड कैरियर वेव के ऊपर मोडूलेट कर दिया जाता है तो कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मोडूलेटिड सिग्नल की तरह वेरी करता है ठीक है तो इस तरह से ये मोडूलेटिंग सिग्नल मोडूलेट हो जाता है कैरियर वेव के ऊपर और इसे ही आगे ट्रांसमिट किया जाता है आगे देखिए एम्पलीट्यूड मोडूलेशन इन एम्पलीट्यूड मोडूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज़ वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑडियो फ्रिक्वेंसी मोडूलेटिंग सिग्नल कि एम्पलीट्यूड मोडुलेशन के अंदर जो कैरियर वेव है जो हाई फ्रिक्वेंसी की है उसका एम्पलीट्यूड वेरी करता है मतलब बदलता है इन अकोर्डेंस विद किसके अकॉर्डिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑडियो फ्रिक्वेंसी मोडूलेटिंग सिग्नल जो सिग्नल हमने भेजना है उसे मोडोलेटिंग सिग्नल बोलते हैं तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी का मोडूलेटिंग सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड वेरी करता है इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड मोडोलेशन However, the frequency of amplitude modulated wave remains the same as that of carrier wave. लेकिन frequency कैसी होती है amplitude modulated wave की वही होती है जो carrier wave की होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो signal carrier wave की frequency से जो है transmit होगा To explain amplitude modulation, तो आगे इसको explain करने के लिए जो है एक्सप्रेशन दिया गया है लेट अस टेक द साइनस ऑडल सिग्नल रिप्रेजेंटेड बाय तो मोडुलेटिंग सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एम टी इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा एम टी ठीक है तो ये रिप्रेजेंटेशन हम पहले भी पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे ए एम क्या है वेयर ए एम इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ मोडुलेटिंग सिग्नल तो ये एम्पलीट्यूड है मोडुलेटिंग सिग्नल का एंड ओमेगा एम इज इक्वल टू टू पाई वी एम इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 10.7 ए तो ये नेक्स्ट पेज पे आपको फिगर के अंदर दिखाई देगा वैसे ये पिछले पेज पे भी मैंने दिखाया था आपको वो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लेट द साइनसोडल कैरियर वेव भी रिप्रेजेंटिड एज तो कैरियर वेव को कैसे रिप्रजेंट किया है सी टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी तो कैरियर वेव को इससे रिप्रेजेंट किया गया है सी टी से यहाँ पे ए सी क्या है वेयर ए सी इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ़ कैरियर वेव ये कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है एंड ओमेगा सी इज इक्वल टू टू पाई वी सी इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ़ कैरियर वेव ओमेगा सी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दिस इज़ रिप्रेजेंटेड इन फिगर टेन ए पॉइंट सेवन बी ये भी नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाई देगी इन एम्पलीट्यूड मोडोलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ मोडोलेटिड वेव सी एम टी तो मोडोलेटिड वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा कैरियर वेव के अंदर जो मोडोलेटिंग सिग्नल है वो ऐड हो जाता है कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड मोडोलेशन है तो कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में मोडूलेटिंग सिग्नल को ऐड कर दिया जाता है देखिए कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड क्या है ए सी प्लस और मोडूलेटिंग सिग्नल क्या था एम साइन ओमेगा एम टी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो मोडूलेटिड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ये बन जाएगा ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी एज़ इट्स फ्रिक्वेंसी इज़ अनचेंज्ड ओमेगा सी इसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज है सिर्फ एम्पलीट्यूड मोडूलेशन हो रही है तो एम्पलीट्यूड ही वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू मोडूलेटिंग सिग्नल देर फोर वी रिप्रजेंट एम्पलीट्यूड मोडूलेट वेव एस तो एम्पलीट्यूड मोडूलेटेड वेव को पूरी वेव को कैसे रिप्रजेंट किया जाएगा देखो एम्पलीट्यूड तो हमने निकाल लिया अब पूरी वेव को कैसे रिप्रजेंट करेंगे सी एम टी इज इक्वल टू पहले एम्पलीट्यूड लिखा जाता है ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी और साथ में क्या है साइन ओमेगा सी टी इक्वेशन नंबर टू से निकाला है हमने ये इक्वेशन नंबर टू में देखिए जो इसका एम्पलीट्यूड है उसकी जगह हमने ये जो एम्पलीट्यूड निकाला है इसे रिप्लेस कर दिया है तो कैरियर वेव जो है उसके एम्पलीट्यूड में ये ऐड करने से मोडोलेटिंग सिग्नल को एम्पलीट्यूड आया तो उसे हमने यहाँ इक्वेशन नंबर टू में रिप्लेस कर दिया तो अब मॉड्यूलेटेड वेव कैसी बन जाएगी ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी इसे हम इक्वेशन नंबर थ्री से रिप्रेजेंट करेंगे आगे देखिए जो इक्वेशन नंबर थ्री थी हमारे पास उसमें से अगर हम ए सी कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा वन प्लस ए एम अपोन में ए सी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी पुट ए एम अपॉन ए सी इज़ इक्वल टू म्यू वेयर म्यू इज़ द एम्पलीट्यूड मोडुलेशन इंडेक्स तो इसे एम्पलीट्यूड मोडुलेशन इंडेक्स कहते हैं तो अगर ये म्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन के अंदर तो क्या बनेगी सी एम टी की वैल्यू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी ये क्वेश्चन नंबर फोर है इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ म्यू इज़ कैप्ट देन वन तो म्यू की वैल्यू वन से लेस देन रखी जाती है इसका मतलब क्या है कि कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है कि इससे वेव के एम्पलीट्यूड से टू अवॉइड डिस्टोशन डिस्टोशन से बचने के लिए देखो ए एम अपोन ए सी है अगर ए सी की वैल्यू एम के इक्वल रखते हैं तो कितने आएगा वन अगर ए सी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं तो ये वन से थोड़ा सा लेस हो जाएगा इसका मतलब कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है मोडुलेटिंग वेव से इसलिए म्यू की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू वन के आती है ओफन वी रिप्रेजेंट म्यू इन परसेंट हम म्यू को रिप्रसेंट में रिप्रजेंट करते हैं द एम्पलीट्यूड मोडुलेटेड वे विज शोन इन फिगर टेन ए पॉइंट सेवन सी तो इसको टेन ए पॉइंट सेवन सी फिगर में दिखाया गया है जो आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाई देगी यूजिंग द ट्रिग्नोमेटिक रिलेशन तो टिग्नोमेटिक रिलेशन का हम अब यूज़ करेंगे तो जैसा कि आप इक्वेशन नंबर फोर में देख सकते हैं हमारे पास साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी है तो अगर साइन ए साइन बी का हम फार्मूला यूज़ करें जैसे कि यहाँ पे है तो हमारे पास साइन ए साइन बी का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो हम साइन ए साइन बी को टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे वन बाई टू तो टू साइन ए साइन बी का फार्मूला बन जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर देखिए कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी अब इस फार्मूले को अगर हम इक्वेशन नंबर फोर जो है वहाँ पे साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी है उन पे अप्लाई करते हैं तो सी एम टी क्या बन जाएगा ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी में टू इन टू कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी ये क्वेश्चन नंबर फाइव बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फाइव शोज़ द एम्पलीटूड मोडूलेटेड सिग्नल कंसिस्ट ऑफ द कैरियर वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी प्लस टू साइनसोडियल वेव्स वन ऑफ़ द फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड अदर ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम दीज टू एडिशनल वेव्स आर कॉल्ड साइड बैंड्स तो आप सामने फिगर में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर फ्रिक्वेंसी जो है ये जो बीच में चल रही है ये फ्रिक्वेंसी जो है ये तो कैरियर वेव की ही है लेकिन साइड में जो बैंड ऐड हो गए हैं एम्पलीट्यूड मोडूलेशन की वजह से मोडुलेटिंग सिग्नल जो है दोनों साइड इसके ऐड हो गया इसके एम्पलीट्यूड में तो उसकी वजह से दो साइड बैंड यहाँ बन गए हैं देर फ्रीक्वेंसीज़ आर कॉल्ड साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज़ तो इनकी फ्रीक्वेंसी को ही साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कहते हैं ओमेगा साइड बैंड इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम तो इनको अलग अलग करके अगर देखें तो लोअर साइड बैंड क्या बन जाएगा नीचे वाला जो साइड बैंड है इस वेव का वो है ओमेगा एल एस बी लोअर साइड बैंड इज इक्वल टू ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड ओमेगा यू एस बी अपर साइड बैंड इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तो अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम हो जाएगी बैंड ऑफ एम्पलीट्यूड मोडूलेटेड वेव इज तो बैंडविड्थ क्या बनेगी ओमेगा यू एस बी माइनस ओमेगा एल एस बी तो इन फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस अगर कर देते हैं अपर में से लोअर को माइनस कर देते हैं तो वो बैंड निकल जाएगी हमारे पास तो इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं ओमेगा यू एस बी की ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा एल एस बी की ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम तो इसको सोल्व करके आ जाएगा टू ओमेगा एम इसको इक्वेशन नंबर नाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है बैंडविथ इज इक्वल टू टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडुलेटिंग सिग्नल तो यहाँ से बैंडविथ क्या निकली है इसकी फ्रीक्वेंसी बैंडविथ वो दुगनी है मोडुलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के तो ये हमारा रिलेशन निकल जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी मोडूलेटिड सिग्नल की द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एम्प्लीट्यूड मोडुलेटेड वेव इज शोन इन फिगर टेन ए पॉइंट एट तो इस फिगर के अंदर ये स्पेक्ट्रम दिखाया गया है देखो फिगर के अंदर ओमेगा सी जो कैरेड वेव की फ्रीक्वेंसी थी जो ये लोअर साइड है एक्स एक्सिस इस पर फ्रिक्वेंसी दिखाई गई है और वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड दिखाया गया है तो ओमेगा सी जो कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी है उसमें दो बैंड दोनों तरफ ऐड हो जाते हैं एक लोअर बैंड लोअर फ्रिक्वेंसी का ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और एक अपर फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो एक्सपेंड हो जाता है डबल हो जाता है मोडोलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का सो द टू साइड बैंड हैव इक्वल एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल है म्यू ए सी अपोन में टू विच नेवर एक्सीड्स हाफ द कैरियर एम्पलीट्यूड ये कैरियर एम्पलीट्यूड के हाफ से कभी भी ज़्यादा नहीं होता तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था इसको आपने अच्छे से लर्न करना है बेटे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको लर्न करना है और लिख लिख के देखना है बार बार तभी आपको क्लियर होगा ठीक है तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन गुड बाय